सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले रिपब्लिक डे पे 3D AI इमेज कैसे क्रिएट करें। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं लाइव प्रूफ यहां पर आपको दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार से इमेज आप देख रहे हैं कि आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। तो कैसे क्रिएट करना है आज की इस वीडियो में सारा कुछ A to Z बताने वाले हैं, वो भी मोबाइल फोन से, क्योंकि दोस्तों इस समय इस प्रकार की इमेज बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। और मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आए कि भाई कुछ इस प्रकार से इमेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल फोन से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बस आपसे इतना कहेंगे, वीडियोज को लाइक दीजिएगा और वीडियोस को पूरा शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी जाकर आपको क्रिएट करना आएगा। नहीं तो बीच में अगर वीडियो को कहीं भी स्पीक कर देते हैं तो आपको या इमेज नहीं क्रिएट करना आएगा, तब मुझे मत बोलना, ठीक है। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा या इमेज क्रिएट करने के लिए, अपने प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाइए, सिंपली वहां पर सर्च करिए बिंग चैट, यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी। इसे सिंपली आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन कर लेंगे, इसमें एक बार अकाउंट बनाना रहता है, इसके बाद इमेज बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। जिसके पास अकाउंट है उसको कोई ज़रूरी नहीं, वो वीडियो को आगे स्पीक करके देख सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अकाउंट बनाना आप सभी को क्रिएट करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से ढेर सारी इमेजेस दिख जाएंगे। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको एक लोगो दिख जाएगा, लोगो पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये लोगो दिख रहा है ना, जहाँ पर इमेज का लोगो दिख रहा है वहां पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, टैप टू साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट का बिंग का न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। अगर साइन इन करेंगे, जिसके पास रहता है वो साइन इन कर सकता है, यहीं से क्रिएट भी होगा। तो कैसे क्रिएट करना है उसे समझ लीजिए, इसके बाद चुटकियों में आप क्रिएट कर सकते हैं उस प्रकार के 3D इमेज। तो चलिए यहां पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए जिसके पास रहता है साइन इन कर सकता है, क्रिएट वन लिखा हुआ है नीचे, तो हमें क्रिएट वन करना है तो क्रिएट वन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्रिएट वन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए आपको यूज मोबाइल नंबर इंटरेस्टेड या फिर आप जीमेल एड्रेस, तो दोनों से बना सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर से बनाना चाहूँगा तो मैं मोबाइल नंबर पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर जीमेल एड्रेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जीमेल एड्रेस डालकर इसके बाद यहाँ पर आगे का क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट पासवर्ड। तो जैसे ही जीमेल एड्रेस यहाँ से बना रहा हूँ तो उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको 8 अंकों का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहना चाहिए, जिससे आगे चल के आपको याद भी रहना चाहिए, जिससे आगे चल के आप लॉगिन कर सकें। फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम, ठीक है। ये बिंग का अकाउंट बनना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका नाम है, रेंडमली कोई भी नेम डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं कि यही डेट ऑफ बर्थ आप चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी रेंडमली एक मैं डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ चूज कर ले रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, इसके बाद यहाँ पर एक कोड जाएगा आपके जीमेल एड्रेस पे या फिर मोबाइल नंबर से बना रहे हैं तो मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो इस जीमेल एड्रेस पे एक कोड गया है, तो सिंपली चलिए ये जो मैंने जीमेल एड्रेस डाला है, आपको 6 अंकों का कोड जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ये देखिए कोड आ चुका है, सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से देखिए वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर कोड आ चुका है 353131, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं, डायरेक्ट ले चलते हैं वहाँ पर टाइप कर देते हैं जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है बिंक अकाउंट बनाने के लिए। सिंपली यहाँ पर टाइप कर दिए, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर एक वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर प्लीज सॉल्व पल्स सो कैन योर नॉट रिपोर्ट, यानी यहाँ पर आपको साबित करना होगा कि आप रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो जिस तरफ ये उंगली का निशान है इस तरफ, उसी तरफ इस जो बाइक जो ये फोर व्हीलर है इसका भी जो फ्रंट व्यू है उसी तरफ करना है, यानी जो इसका मुंह है उसी तरफ कर देना, ठीक है। तो उस पर करने के बाद यहाँ पर देखिए मिनिमाइज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर जैसे क्लिक कर देंगे तो बिंग का अकाउंट आपका सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेरीफिकेशन कम्प्लीट, इसके बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो ये बिंग का अकाउंट 100% कम्प्लीट हो जाएगा। अब बिंग का अकाउंट जैसे ही आपका कम्प्लीट हो जाए, कम्प्लीट बन जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आगे के प्रोसेस बताएंगे। कुछ ही मिनट वेट करेंगे तो आप 100% क्रिएट करना सीख जाएंगे। सो दोस्तों यहां पर 100% अकाउंट क्रिएट हो चुका है। चलिए लाइव प्रूफ आपको दिखा देते हैं। यहां पर देखिए 100% आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप सिंपली यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं यहां पर आइकन पे, ठीक है। जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको कुछ फॉन्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये ऐप्स वाला सेक्शन दिख रहा होगा आपको लास्ट में, ऐप्स वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐप्स वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि AI रिलेटेड होते हैं। तो आपको सिंपली यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली इस तरफ यहाँ पर देखिए इमेज क्रिएट का बटन दिख रहा है, ठीक है। इमेज क्रिएट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इमेज क्रिएट वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे,
इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि कुछ इमेज मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है तो सब चीज़ें दिख जाएंगी। अब आपको सिर्फ जो भी फॉन्ट मैं दूंगा वो अपने टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपली उसे पेस्ट कर देंगे। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हैप्पी रिपब्लिक डे, यहाँ पर 26 जनवरी मैंने लिखा है, इसके बाद कुछ इस तरीके से। इसके बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉन्ट मैं आपको कई फॉन्ट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाइए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए योर नेम का जो सेक्शन दिखा है, यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है। जैसे अभी के लिए मैं सूरज यादव डाल देता हूँ अपना नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सूरज यादव डाल देता हूँ। दो प्रकार से इमेज क्रिएट करना सिखाएंगे, ये पहला मतलब फॉन्ट है, एक दूसरा भी फॉन्ट डालकर आपको दिखाना है। क्रिएट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, चुटकियों में कुछ समय आप वेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप जो भी इमेज का ये आपने डाला है फॉन्ट, वो कुछ ही सेकंडों में AI क्रिएट करके आपको दे देगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि AI रिलेटेड आपका नेम भी आ चुका है और इमेज भी आ चुका है। तो इसे फुल HD में कैसे डाउनलोड करना है चलिए वो बता देते हैं। सबसे पहले जिस भी इमेज को आपको पसंद कर रहे हैं कि हाँ यही इमेज मुझे डाउनलोड करना है, तो उस पर डायरेक्टली आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वो इमेज आ जाएगी। इमेज यहाँ पर देख रहा होगा, अगर ये इमेज नहीं पसंद है तो आप इस तरफ स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए वंदे मातरम, यहाँ पर सूरज यादव दिख रहा होगा, इसके बाद इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो आप इसे सिंपली अब डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये इमेज मुझे पसंद है तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए 3 डॉट पे, इसके बाद डाउनलोड पे। अगर इनमें से कोई भी इमेज नहीं पसंद है तो आप सिंपली बैक जाइए, फिर से क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करिए, फिर से आपको बनकर आ जाएगी। ये तो था पहला फॉन्ट, यानी ये पहला तरीके से आप पहले स्टाइल में बना सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टाइल में बनाना सीख रहे हैं तो इस फॉन्ट को हटा दीजिए। दूसरा फॉन्ट भी टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकता हूँ या फिर कमेंट बॉक्स में। ये दूसरा फॉन्ट हो चुका। आप कितने ईयर्स के हैं, सबसे पहले ईयर्स डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी आपको अपना नेम डालना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने डाला हुआ है ना फ्लैग एंड सूरज यादव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो सूरज यादव लिखा हुआ है वहाँ पर अपना नेम डालकर इसके बाद क्रिएट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पर कनेक्टिंग लिखकर आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा ये कनेक्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये कनेक्टिंग लिखकर आ जाता है, इसके बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी इमेज होते हैं यहाँ पर आपका बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ योर इमेज इन बीइंग क्रिएट बाय AI, यहाँ पर और इमेज जितने भी आपके बन चुके होते हैं वो सारे इमेज दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद ये दूसरे फॉन्ट में देखिए और अच्छा ही आपको बनकर आ चुका है रिपब्लिक डे का, यानी 26 जनवरी का इमेज। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है तो उस पर मैं क्लिक करूँगा ये वाला इमेज। तो सिंपली इसे फुल HD में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं सूरज यादव लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके बाद आप डायरेक्टली जाएंगे अपने गैलरी में देखेंगे तो ये आपको इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तुरंत ही मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। कुछ ही मिनटों के अंदर आप AI 3D रिपब्लिक डे पे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम है AI रिलेटेड या इमेज बनाने रिलेटेड तो उसे भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप सभी नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।